हाँ, हमने जो हमको उचित लगा, सच लगा, वो कहा। और अभी तक कोई भी भारत देश से निकल करके राजनेता या विद्वान नहीं आया जिसने ये प्रतिज्ञा देश के सामने कर ली होगी कि अभी मुक्तेश्वरानंद गलत कह रहे हैं, मंदिर तो बन चुका है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में हमारी बात स्पष्ट हो चुकी, सिद्ध हो चुकी। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। NSVI से हम कभी भी संबद्ध नहीं रहे। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जरूर हम संबद्ध रहे। जब हम पढ़ रहे थे उस समय छात्र नेता के रूप में छात्र संघ के अध्यक्ष का पद चुनाव हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से लड़ा था और अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाना ये केवल दुष्प्रचार करने की भावना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, राम मंदिर देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, राम भक्तों की जनाकांक्षा है और भगवान की कृपा से, न्यायालय के निर्णय से वो पूरा हो रहा है। इस समय अयोध्या में निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने पूछा और जाना है, लगभग तीन वर्ष अभी और लगेंगे, तब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उसके ध्वजा चढ़ाई जाएगी कि नहीं, वहाँ पर जहाँ जहाँ कल शिखर में जिन जिन जगहों पर जिन जिन देवताओं की पूजा होती है, जो जो न्यास होते हैं, वो होंगे कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसका भी लाभ हम सबको मिलेगा। कोई चिंता करने की हिंदुओं को आवश्यकता नहीं है, इस बारे में प्रगति पर है काम। तो हमारा कारण है कि इतने सारे लोग आए उसके अयोध्या में, जो आयोजन हुआ, बड़े बड़े संत और सब लोग आए, केवल मात्र आप ही जो है उसने ये खुलकर कहा कि ये पूर्ण नहीं हुआ, बहुत से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और मंदिर के अंदर भी गए। देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, सबके अपने अपने व्यवहार होते हैं, ये सबका अपना व्यवहार करने का, रिएक्ट करने का तरीका होता है। तो अपना व्यवहार होगा, अपनी उनकी प्रतिबद्धता होगी, उनकी क्या मजबूरियां हैं, हम सब कुछ तो नहीं जानते, इसलिए किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमने जो हमको उचित लगा, सच लगा, वो कहा। और अभी तक कोई भी भारत देश से निकल करके राजनेता या विद्वान नहीं आया जिसने ये प्रतिज्ञा देश के सामने कर ली होगी कि अभी मुक्तेश्वरानंद गलत कह रहे हैं, मंदिर तो बन चुका है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में हमारी बात स्पष्ट हो चुकी, सिद्ध हो चुकी। गौ माता जो है ये हिंदुओं के लिए पहला काम है। देखिए, हमारे घर में जब रोटी बनती है तो हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान को पहले थाली नहीं निकालते। हम गुरु को बहुत मानते हैं, लेकिन उसका भी पहली रोटी नहीं निकालते, पहली रोटी गाय की निकलती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए सर्वप्रथम गाय है, इसलिए गौ हत्या बंद करना और गौ माता को पशु की सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये इस समय की हम लोगों की जिम्मेदारी है। और हमको प्रसन्नता है कि देश के हिंदुओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है और इसके लिए गौ मतदाता के रूप में प्रण लेना शुरू कर दिया है कि अब हम भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उन चुनावों में उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट करेंगे जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा कर चुका होगा कि अगर हम जीते तो पहला काम गौ माता का करेंगे। NSVI से हम कभी भी संबद्ध नहीं रहे। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जरूर हम संबद्ध रहे। जब हम पढ़ रहे थे उस समय छात्र नेता के रूप में छात्र संघ के अध्यक्ष का पद चुनाव हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से लड़ा था और अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाना ये केवल दुष्प्रचार करने की भावना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।